गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि आज ये गुलाब जामुन लेकर मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति नंदा सिब्बल। आपने देखा होगा मेरी स्टोरी, मैंने कैसे अपना 27 किलो भार कम किया और डायबिटीज़ को रिवर्स किया। और मैं आज आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि मैं अब गुलाब जामुन खा सकती हूँ। वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया। बहुत सालों बाद मैं दोबारा गुलाब जामुन खाने की हिम्मत कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब डायबिटिक नहीं हूँ। पर जो एक चीज़ मैं हमेशा फॉलो करती हूँ जब मुझे अब मीठा खाना होता है, मैं बहुत ओकेजनली खाती हूँ। अगर मुझे खाने का मन करे तो मैं या उसे स्नैक्स की जगह खाती हूँ। जैसे कि अभी 12 बजे हैं, मैं 1:30 बजे अपना लंच करूंगी, तो आज एज अ स्नैक मेरा गुलाब जामुन खाने का मन किया, इसलिए मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ। सेकेंड, मैं खाना के बाद कभी भी मीठा नहीं खाती हूँ। आप जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि मीठा हमें कैलोरीज देता है, हमारी बॉडी से ज़्यादा काम करवाता है, खास तौर पे लिवर से, हमारा शुगर बढ़ाता है, पर एक और बहुत बड़ा काम करता है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम कर देता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट वो कैलोरीज हैं जो हमारी बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए यूज करती हैं। अगर हमारा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट 1200 किलो कैलोरीज है, तो हम 1200 किलो कैलोरीज तक खाकर भार नहीं बढ़ाते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा खाते हैं तो हमारा भार बढ़ता है। इसलिए अपना BMR ज़्यादा रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वी एंजॉय फूड, वी लव फूड एंड वी आर फूडीज। तो याद रहे, मीठा आप खा सकते हैं, डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, और जब भी मीठा खाएं तो कैसे खाएं? या तो एज स्नैक या फिर खाने से पहले। ऑल द बेस्ट, फिर मिलूंगी। थैंक यू।